जय हिंद फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे यह अच्छा अवसर मिला आप लोग से मिलने के लिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस के बहाने आप लोग से मिल लूं और कुछ अपनी बातें आप लोग के समक्ष रख सकूं। आप लोग को मालूम ही है कि भारत एक युवा देश है और इस युवा देश में बसा हुआ बिहार भारत का सबसे युवा प्रदेश है। चूँकि मैं भी बिहार से हूँ और मेरे अधिकतर फ्रेंड्स बिहार से हैं, वही वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक युवा का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से भी। तो सबसे पहले मैं अभी तो आर्थिक रूप से बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं वो अपना आर्थिक कंडीशन सुधारने के लिए ही प्रयासरत हैं, चाहे आप किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या कुछ भी। तो हम लोग का कर्तव्य होता है कि हम लोग जिस भी घर से आते हैं तो अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करें और यह एक युवा की मतलब सबसे मुख्य कर्तव्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आज आप लोग को भी विदित है कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, तो उनके जो भी आदर्श हैं उन पर हम लोग को चलने की ज़रूरत है। हम लोग को स्वामी विवेकानंद बनने की जरूरत नहीं है बल्कि उनके आदर्शों पर, उनके बताए गए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है, तभी हम लोग एक अच्छे देश, एक अच्छे राज्य और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इस कड़ी में आता है सबसे पहले युवा में जो उनका गुण होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से। और आर्थिक रूप से मजबूत आप तभी होइएगा जब आप कहीं किसी प्रोफेशन में सफल होते हैं, चाहे किसी एग्जाम में आप सफल होते हैं या किसी बिजनेस में। क्योंकि हम ये मेरा जो चैनल है, हम इसमें आप लोग को किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बातें करते हैं ताकि आप लोग उस रास्ते पर चलकर किसी एग्जाम में सक्सेस हों। तो अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि जो भविष्य में आने वाले एग्जाम है उस बारे में। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम हो चुका है, मेंस का एग्जाम भी लमसम 1-2 महीना के अंदर होने वाला है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी होने वाला है। और आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि बिहार सीजीएल का भी फॉर्म कुछ ही महीनों में आने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और जितना हो सके, जितना आप लोग में कैपेसिटी है उसके अनुसार आप लोग मेहनत कीजिए। क्योंकि अभी हम लोग जिस युवावस्था में हैं, हम लोग जितना सोच सकते हैं उतना हम लोग मेहनत कर सकते हैं। ये एक ऐसा ही अवस्था है कि हम लोग कैसे भी मतलब अपना 100% देकर मेहनत कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग हमेशा आने वाले एग्जाम को अपने दिमाग में रखिए और उसको देखते हुए अपना प्रिपरेशन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कुछ आप लोग का क्वेरी होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।